हेलो चिल्ड्रंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1 to 5 नंबर से सब्जियों का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी वेजिटेबल का चित्र। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। अब प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। अब आप हमें जो है टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको पहले 1 लिखना होगा। और प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको जो है जितने मैं वेजिटेबल बना रहा हूँ, अगर आपको इसकी स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स, टीचर, किसी से भी पूछ के कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमें जो है टिकटॉक पे फॉलो जरूर करिएगा, वहाँ पे भी हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखिए, उसके बाद 2 लिखिएगा। और प्यारे बच्चों, हो सके तो आप मेरे साथ ही बनाते रहिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे 3 लिखना होगा। ये हो गया हमारा 3 लिखने के बाद प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे आप ऐसे बीच में 4 लिख दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बस वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। 4 लिखने के बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे 5 लिख देंगे। ये देखिए हमारा 5 हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से जो है आप एक हाफ सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। मैं आपको जो है 5 नंबर का साथ में बनाना सिखा रहा हूँ। ये करने के बाद आपको जो है ऊपर की तरफ एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना है। यहाँ पे ऐसे ले जाइए, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ से आप ऐसे मिला देंगे। बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। हमारा यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको जो है वेजिटेबल का चित्र बनाना सिखा रहा हूँ। ये हो जाने के बाद यहाँ से आप एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे छोटी 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 लाइनें ड्रॉ कर देना है। फिर इसके बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे 2 ड्रॉ करिएगा। इसी तरह आप यहाँ पे ड्रॉ करिएगा। और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से वेजिटेबल का चित्र बनाना आ जाएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, हम 4 पे आते हैं। यहाँ से आपको इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना होगा, यहाँ पे हाफ सर्कल का शेप देते हुए। फिर यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे घुमा दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ करते हुए इसको अंदर की तरफ कर देना है आपको। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर यहाँ से ऐसे करिए। इसको हमें जो है यहाँ से ऐसे मिला देना होगा, एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे छोटे 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 सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। और आप हमें जो है जितने वेजिटेबल मैं बना रहा हूँ उसकी स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ से हम ऐसे नीचे की तरफ मिला देंगे। मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, एक छोटी सी लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करिए, इसको हमें जो है ऐसे मिला देना है। इसी तरह आप यहाँ पे भी तीनों मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया हमारा टमाटो। प्यारे बच्चों, ये हमारा रेडिश है, ये कैरेट है, टमाटो है, ये कॉर्न है। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे शुगर बीट, यानी कि चुकंदर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा। ये हो गया, इसको हमें जो है आगे की तरफ नीचे की तरफ ऐसे झुका देना होगा, पतला सा बना दीजिएगा, छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा जो शुगर बीट बन के तैयार हो गया है। तो हमारी सब्जियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम जो है सब्जियों को कलर करना सीखते हैं।